जनसत्ता एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन गति 120 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। पंजाब के मोहाली स्थित निजी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कई छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे अन्य लोगों को भेजने की जो घटना सामने आई है वह कई स्तर पर दुखी और हैरान करने वाली है। प्रथम दृष्टया यह ऐसा करने के नतीजों की फिक्र किए बिना सिर्फ बेहद हल्केपन की वजह से की गई खुराफात लगती है, लेकिन किसी भी स्थिति में की गई ऐसी हरकत पीड़ित लड़कियों के सम्मान और यहाँ तक कि उनकी जिंदगी से भी खिलवाड़ है। अब तक जैसी खबरें आई हैं उस संदर्भ में यह समझना मुश्किल है कि वहाँ पढ़ने वाली लड़की ने ही कई अन्य लड़कियों के नहाने के क्रम में चुपके से वीडियो बनाया तो उसके पीछे उसकी कौन सी मंशा काम कर रही थी। अगर उसने अपने किसी दोस्त के कहने पर ऐसा किया तो उसका अपना विवेक क्या कर रहा था। विडंबना यह है कि इस घटना के उजागर होने के बाद जहां समूचे विश्वविद्यालय परिसर में सभी विद्यार्थी आक्रोश से भर गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, वहीं दबाव और तनाव की वजह से कई छात्राओं की हालत बिगड़ने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर सरकार तक ने मामले को हल्का बनाकर पेश करने की कोशिश की। विराम पैरा। विचित्र यह है कि एक समांतर वीडियो में आरोपी छात्रा के अपनी गलती स्वीकार करने की बात सामने आने के बावजूद प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि घटना जैसी बताई जा रही है वैसी नहीं है, जबकि दबाव बढ़ने पर पुलिस ने आरोपी लड़की का मोबाइल और अन्य उपकरण जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा तो इसके पीछे कुछ न कुछ आधार तो होगा। इसके अलावा इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में भी पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया। अगर इसके पीछे कोई और व्यक्ति या समूह है तो उसे भी कानून के कटघरे में लाया जाना चाहिए। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की यह मांग होगी कि अगर ये आरोप साबित होते हैं तो कानून के मुताबिक दोषियों को सख्त सजा मिले। लेकिन सवाल यह भी है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए जो छात्रावास बनाए गए हैं उसमें नहाने की वह कैसी व्यवस्था है कि किसी छात्रा या अन्य व्यक्ति को चुपके से वीडियो बना लेने का मौका मिल जाता है। पैरा, अगर इस तरह की असुरक्षित और लापरवाही भरी स्थितियों में छात्राओं को रहना पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? इस तरह की व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, खासतौर पर जब ऐसी घटना होने की खबर आ चुकी है। यह छिपा नहीं है कि हमारे सामाजिक परिवेश में आजकल बहुत सारे लोगों के हाथ में कैमरे से लैस स्मार्टफोन तो आ गए हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल और इसके जोखिम को लेकर बहुत कम लोग जागरूक हैं। फिर युवाओं के भीतर उम्र या अन्य वजहों से जो मानसिक शारीरिक उथल पुथल होती है उससे संतुलित तरीके से निपटने और खुद को दिमागी रूप से स्वस्थ और संवेदनशील बनाए रखने में कोई आधुनिक तकनीक बाधा बन रही है। अगर ऐसी प्रवृत्तियां कभी किसी अपराध के रूप में सामने आती हैं तो निश्चित रूप से कानूनी तरीके से निपटना एक प्राथमिक उपाय होगा, लेकिन इसके दीर्घकालिक निदान के लिए इन आधुनिक तकनीकों या संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर विवेक और संवेदना का ख्याल रखने के साथ साथ सामाजिक प्रशिक्षण भी जरूरी है। फिलहाल उस विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थी, खासतौर पर छात्राएं और उनके अभिभावक
परेशान हैं तो उनकी स्थिति समझी जा सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि घटना पर पर्दा डालने की कोशिश के बजाय पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति साफ करे। पैरा आखिरकार उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर शक और विवाद की गुंजाइश समाप्त हो गई है। दारुल उलूम देवबंद ने इस सर्वेक्षण का स्वागत किया और इसमें सभी मदरसों से सहयोग देने की अपील की है। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष ने इस सर्वेक्षण की तारीफ की और कहा कि इससे मदरसों में पढ़ाई लिखाई का माहौल बेहतर होगा। दरअसल सरकार को आशंका है कि कुछ गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बाहर से आर्थिक मदद लेते और अपने यहाँ कट्टरपंथी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पाठ पढ़ाते हैं, इसलिए ऐसे मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया गया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ नेताओं ने कहा कि दरअसल सरकार इसके जरिए मुस्लिम समाज पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, यह एक तरह से मिनी NRC है। इस तरह इस सर्वेक्षण को लेकर विवाद और लोगों में भ्रम पैदा हो गया। अच्छी बात है कि दारुल उलूम ने खुद इस भ्रम को मिटाने का प्रयास किया और यह भी भरोसा दिलाया कि मदरसों के पास कुछ भी छिपाने लायक नहीं है। सभी मदरसा संचालक अपने कागजात दुरुस्त रखें और सर्वेक्षण में सहयोग करें। सरकार ने निर्देश दिया है कि 25 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाए। इसके लिए 12 बिंदु तैयार किए गए हैं। पैरा, हालांकि सर्वेक्षण के इन बिंदुओं में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिससे मुस्लिम समुदाय की भावना को चोट पहुंचे या उनके निजी जीवन में किसी तरह की दखलंदाजी हो। हाँ, उसमें 3 बिंदु ऐसे हैं जिनसे कुछ मदरसों को परेशानी हो सकती है। एक तो यह कि सर्वेक्षण में यह भी जानने का प्रयास होगा कि वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, यानी उनका पाठ्यक्रम क्या है। दरअसल बहुत सारे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का कोई तय पाठ्यक्रम नहीं है, वे अपनी मर्जी से पाठ्यक्रम तय करते हैं। दूसरा बिंदु है कि संबंधित मदरसे को धन कहां से प्राप्त होता है, उसका संबंध किसी संगठन या स्वयंसेवी संस्था से है या नहीं। बाकी बिंदु मदरसे में विद्यार्थियों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं, उनके कमरों आदि के आकार को लेकर है। ऐसे में अगर कुछ मदरसे सचमुच किसी संदिग्ध संस्था से जुड़े हैं और उन्हें नायजायज तरीके से धन प्राप्त होता है, उनके पाठ्यक्रम में कुछ देश विरोधी बातें पढ़ाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई अनुचित भी नहीं कही जा सकती। किसी भी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के दिमाग को दूषित करने का प्रयास क्यों होना चाहिए। पैरा, हमारे देश में मदरसों का समृद्ध इतिहास रहा है और चाहे वह आज़ादी की लड़ाई रही हो या समाज सुधार से संबंधित आंदोलन, सब में मदरसों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब मदरसे बदलते समय के अनुसार गणित, विज्ञान आदि की शिक्षा में भी बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ गैर मान्यता प्राप्त मदरसे अपनी मर्जी के मुताबिक विद्यार्थियों में कुंदन जेहनी पैदा करें, उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाएं, तो उन्हें किसी भी दृष्टि से कोई तरक्की पसंद मुसलमान भी नहीं पसंद करेगा। स्वाभाविक ही दारुल उलूम ने मदरसों में पढ़ाई लिखाई का बेहतर माहौल बनाने की दृष्टि से सरकारी सर्वेक्षण का स्वागत किया है। किसी भी शिक्षण संस्थान का मकसद अपने विद्यार्थियों को एक बेहतर, उर्वर और उत्पादक दिमाग के रूप में विकसित करने का होना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें चलाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। दारुल उलूम का फैसला सराहनीय है। पैरा, सितंबर का महीना देश की आर्थिकी के रण में जैसे विजय पताकाएं लहराता आया है। आधिकारिक रिपोर्टों की ओर देखें तो लगता है कि देश अचानक तरक्की के वे मरहले
पार कर गया जिसका सपना कभी देखा गया था। देश एक कर बहुत बड़ा सपना था जिसमें जीएसटी उभरा और अभी जो नया आंकड़ा आया है वह बता रहा है कि अगस्त में जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपए से पार चला गया। कभी सोचा गया था कि 1 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति देश के लिए इष्टतम प्राप्त होगी। शुरू के वर्षों में तो यह प्राप्ति इससे कहीं पीछे रह गई। अब कोरोना के बाद पैदा हुई मांग में सुधार, महंगाई की ऊंची दरों या मिशनरी का बेहतर अनुपालन, इनमें से किसकी या इन सबकी कृपा है कि जीएसटी इन बुलंदियों तक पहुंच गया है। दूसरी ओर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब का बयान आ गया कि महंगाई के विरुद्ध हमने जो अभियान शुरू किया था पूर्ण विराम।